Hello class 8, today we are going to discuss pollution, how pollution is a major factor in loss of biodiversity. You see, pollution of soil, air, water, everything is endangering many species. Pesticides and other harmful chemicals accumulating in the water bodies, for example, kill fish and other aquatic animals. They also get carried down the food chain and affect birds. Some birds get poisoned over time, and while others diminish in number because their eggs have thinner shells which break before hatching. आपने पढ़ा होगा कई जगह पोल्यूशन के बहुत सारे और भी इफ़ेक्ट्स हैं, डिजीज़ हैं, बट यहाँ पर हम कंसर्न हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी को कैसे हार्म कर रहा है, हमारा जो डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ है वो कैसे हैम्पर हो रहा है ना, इन सब चीज़ों को देखना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये अकेले पोल्यूशन, कोई एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन, कोई अकेले इंडिविजुअली अफेक्ट नहीं कर रहा, सब कंबाइंड रूप से अफेक्ट कर रहा है। इफ़ यू सी देन सॉइल पोल्यूशन, वहाँ भी स्पेसीज, सॉइल में रहने वाले स्पेसीज जो है वो उनको ख़त्म कर रहे हैं। फिर अगर हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो एयर बोर्न जो जितने भी जो हैबिटेट हैं उसके, बर्ड्स के देख लीजिए आप, और भी जितने जानवर हैं जो हवा में रहते हैं वो सब भी डिस्टिंग्विश हो रहे हैं। उसके बाद आपको वाटर, आप ऑलरेडी जानते हैं कि जितने पेस्टिसाइड्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, हार्मफुल केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं, सब एक्यूमुलेट होकर के अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं, वाटर बॉडीज़ में, तो वो किल कर देते हैं एक्वेटिक एनिमल्स को, फिश को और भी बहुत सारे जानवर, इन सब को। दे ऑल्सो गेट कैरी डाउन द फूड चेन एंड अफेक्ट बर्ड्स। अब आप ये फूड चेन है, एक आप पढ़ेंगे क्लास 9th में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हम लोग पढ़ेंगे इसको, तो फूड चेन है। उसके बाद फूड वेब भी पढ़ेंगे हम लोग। वहाँ पर फूड चेन क्या होता है कि एक जानवर दूसरे को खा रहा है, वो तीसरे को खा रहा है, तीसरा चौथे को खा रहा है, तो इस तरह से अल्टीमेटली क्या होता है, पूरा सा चेन है बना हुआ, है ना। वन ऑर्गेनिज्म इज ईटिंग द अदर ऑर्गेनिज्म एंड देयर इज़ अ चेन, फूड चेन जिसको बोलते हैं। तो अगर कोई स्पीसीज लुप्त हो जाए मान लो, तो क्या होगा, वो चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उस पर जो डिपेंडेंट आगे के ऑर्गेनिज्म है वो भी ख़त्म हो जाए। मान लीजिए कि ए खाता है बी को, बी खाता है सी को, सी खाता है डी को, डी खाता है ई को। अब मान लीजिए इसमें से बी ख़त्म हो गया, तो ए को खाने वाला जो बी था वो है नहीं, तो अब ए को कोई खाएगा नहीं, तो ए की संख्या बढ़ेगी, और बी है नहीं, बी को खाता था सी, तो सी का खाना तो ख़त्म हो गया, तो सी भी मर जाएगा, और सी को खाता था डी, तो जब सी मर जाएगा तो डी का भी तो फूड ख़त्म हो रहा है। तो अल्टीमेटली देर विल बी अ चेन ऑफ डिस्टिंक्शन, एक्सटिंक्शन, मतलब एक लंबा प्रक्रिया चल पड़ेगा उस सीरीज़ में आने वाले, उस स्पेसीज़ के बाद जितने स्पेसीज़ होंगे सब एक तरह से इंडेंजर्ड होते जाएंगे और अल्टीमेटली दे विल लीड टू एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था समझने के लिए, है ना। सम बर्ड्स गेट पॉइजन्ड ओवर टाइम वाइल अदर्स डिमिनिश इन नंबर बिकॉज देयर एग्स हैव थिनर शेल्स विच ब्रेक्स बिफोर हैचिंग। कहता है कि कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो जिसको पॉइजन हो जाता है इस कारण से, अगर आप उसके जो वाटर बॉडीज़ हैं, हार्मफुल सब्सटेंस वो अगर खा रहा है, ले रहा है, तो उसके बॉडी में पॉइजन आ जाएगा कुछ समय के बाद। अभी हम ही लोग नहीं देख रहे हैं कितनी नई नई बीमारियाँ आ गई है, हम लोग जो साग सब्जी खा रहे हैं दे आर ऑल HIV हाई यील्डिंग वेराइटीज़, ये सब लैब में प्रिपेयर होते हैं बहुत सारे खाद, और फिर वो उसमें इंजेक्ट किए जाते हैं। आप जितने साग सब्जी देखिए वो अब उतने प्योर नहीं है, डायरेक्ट खेतों से नहीं आ रहे हैं, दे आर स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेजेस, दे आर इंजेक्टेड विद मेनी केमिकल्स टू प्रिजर्व इट, है ना, एंड देन वी गेट टू ईट। ये सब चीज़ें हम लोग खा रहे हैं, जिसको हम बाजारू सामान कहते हैं ये खा रहे हैं, तो ये डिग्रेड कर रहा है हमारे को, है ना, डिग्रेड कर रहा है, तो ये पॉइजन हो जाता है उस बर्ड्स के अंदर। और फिर वो जो अंडा देता है, वो अंडे का जो शेल होता है ऊपर का जो कवरिंग होती है उसकी, वो बहुत पतला होता है,
और हैचिंग के पहले ही वो उसकी कवरिंग टूट जाती है। टूट जाती है तो फिर क्या हुआ, चूज़े नए आएंगे नहीं क्योंकि अंडा ख़राब हो गया, हैचिंग हो नहीं पाया ठीक से। अब जिस स्पीसीज़ को वहाँ पर आगे रिप्रोडक्शन से बढ़ना था वो हो ही नहीं पाया, तो लॉस ऑफ स्पीसीज़ हुआ कि नहीं हुआ। ऑयल पील्स एंड कोस्टल पोल्यूशन आर अ ग्रेट थ्रेट टू मराइन ऑर्गेनिज्म। अभी आप जान रहे हैं जो तेल और बहुत सारे केमिकल्स कोस्टल पोल्यूशन यानी कि जो कोस्टल एरिया है जब समुद्र के नज़दीक में जो ज़मीनी एरिया है वहाँ पर काफ़ी सारा पोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं और वो मराइन ऑर्गेनिज्म के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा डर है, है ना। इन 1989 में ये एक एग्ज़ाम्पल लिया गया है कि ऑयल टैंकर एक्जॉन वाल्डेज रैन अराउंड नियर अलास्का। अलास्का के करीब में ये तेल का टैंकर था जो चल रहा था, किलिंग थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स एंड ऑटर्स एंड 22 किलर वेल्स। वहाँ पर काफ़ी सारे बर्ड्स ऑटर्स एंड वेल्स जो मछलियाँ हैं सबको मार दिया था। तो ये एक उसका एडवर्स इफ़ेक्ट है ना, ये डिसएडवांटेज है कि जो हम हाई यील्डिंग वैरायटी ले रहे हैं उससे कितना नुकसान पहुंच रहा है हमको खुद ही पता नहीं है, ठीक ना। अगला पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग। वी हैव डिस्कस्ड ग्लोबल वार्मिंग, कई बार हम लोगों ने इस ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट इस दोनों को कंबाइंडली कई बार हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत कॉमन टॉपिक हो गया है अब। वी हैव डिस्कस्ड ग्लोबल वार्मिंग बिलीव टू बी कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन एंड द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कहता है कि हम इसको ग्लोबल वार्मिंग को ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये डिफॉरेस्टेशन पेड़ों के काटने से ही केवल ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, एंड इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कोल है, पेट्रोलियम है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं नेचुरल गैस वगैरह, इनको जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़ हम बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, यानी जितना हमको ज़रूरत है उससे ज़्यादा कर रहे हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी उल्लंघन है। वो कहता है कि आप यूज़ करें लेकिन नेक्स्ट जनरेशन को ध्यान में रख कर, बट हम लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं, हम लोग जितना चाहिए नहीं उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मीन्स आने वाली जो पीढ़ी है उनके पास ये सब चीज़ें कम मात्रा में अवेलेबल होगी, सो वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू द नेक्स्ट जनरेशन। चैप्टर 15 एंड 16 जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को। सम इन्वायरमेंटलिस्ट बिलीव दैट इट इज़ ऑलरेडी अफेक्टिंग सम स्पीसीज इन द पोलर रीजन। कहता है ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, पोलर रीजन में जो आइस पिघल रहे हैं इतनी तेज़ी से पिघल रहे हैं कि विश्वास नहीं होता, तो ये बहुत सारे स्पीसीज़ को ग्लोबल वार्मिंग वैसे ही ख़त्म कर रहा है, क्योंकि पोलर रीजन में क्या वहाँ आइस कैप्स हैं, तो जो ऑर्गेनिज़म उस आइस में रहने के आदि हैं जब आइस पिघल जाएंगे पोलर रीजन के तो क्या होगा, वो ऑर्गेनिज़म वैनिश हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, कल हम लोग बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस।